हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड वंस अगेन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल शेयर करूँगी उसका नाम है लोरियल वाई डे परफेक्ट क्रीम। तो सबसे पहले इसकी जो पैकेजिंग है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ऐसा कुछ पैकेजिंग आता है। और ये कंटेनर ग्लास का कंटेनर है और ये 50 ml है और एक्सपायर डेट 2023, मतलब अभी 2 ईयर्स तक ये आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो टेक्सचर जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ टेक्सचर, एक कैप भी है। सो हाँ, एक बहुत अच्छा कैप है, पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, एक कैप है। तो मैंने इसे अभी अभी ख़रीदा है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका जो रिज़ल्ट है उसकी एक चैलेंज वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं डे टू, आज डे टू है, तो डे टू में मैं इसे यूज़ कर रही हूं। तो ऐसे ही लगातार मैं 15 डेज तक इसे यूज़ करूंगी, देन मेरी जो स्किन की जो टेक्सचर है, मतलब कलर है, वो ब्राइट होता है या थोड़ी सी डार्क होता है, यही देखना है मुझे। बस आप लोगों के सामने इसका रियल चैलेंज देना है। तो अभी जो है मैं आप लोगों के सामने इसको अप्लाई करती हूँ। आप देख सकते हो कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, हर जगह पे भरा हुआ है, अभी अभी लिया है मैंने। मैंने बस लगाया इसे एक दिन हुआ है और एक दिन में तो मैं बता नहीं सकती कि हाँ मुझे चेंजेस दिखा है नहीं। मुझे अभी तक कोई चेंजेस नहीं दिखा क्योंकि मैंने इसे एक दिन बस यूज़ किया है। अभी मैं लगातार इसे 15 डेज तक यूज़ करूँगी। आई थिंक फ्रेंड्स, रेगुलर वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैं 15 डेज़ पे इसकी फ़ाइनल वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड कर दूँगी और इसका जो चैलेंज है स्किन को वाइटिंग करने की वो भी मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊंगी। तो यहाँ पे लिखा है कि ये मेलानिन को कम करता है। मेलानिन क्या है आप लोगों को शायद पता है, मेलानिन एक वो चीज़ है जो हमारे स्किन से, अगर मेलानिन को हटा दिया जाए तो हमारी स्किन और भी ज़्यादा गोरा हो सकता है। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट से टेस्टिंग किया गया है कि इसे यूज़ करने के बाद आपकी स्किन में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। आपकी स्किन अगर ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसे ऑल टाइप स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्किन ऑयली है और मैं इसे यूज़ करके देख रही हूँ थोड़ी बहुत ऑयल भर रही है, लेकिन ये भी सच है कि 2 दिन से मुझे कोई भी पिंपल तक नहीं आया है। मतलब इसे जो दावा करता है वो अभी तक बरकरार है। तो देखते हैं 15 डेज तक इसे यूज़ करने के बाद क्या होता है। तो अब चलते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आप लोगों को सामने से दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो। इसमें एक और चीज़ है, वो है डे, ये डे क्रीम है, तो ये SPF 70 है। तो मैं फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसे यूज़ करने के बाद आप लोग सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि हमारे इंडिया पे जो समर के वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पे ये 17 जो SPF UVA और UVB के जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी नहीं होता। तो आप लोग चाहे सनस्क्रीन यूज़ कर लेना, और अगर आप घर पे रहोगे और इसे यूज़ करोगे तो आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्मेल के बारे में मैं कहूँगी, बहुत ही लाइट एक स्मेल है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और टेक्सचर आप देख सकते हो, थोड़ी सी स्किन वाइटिंग हो गई है, मतलब इसकी रिज़ल्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इसे अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी वाइटिश हो जाएगी। इसका टेक्सचर ही कुछ ऐसा है। डे 10 के हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये डे 10 का मेरा स्किन का टेक्सचर है। यहाँ पे एक पिंपल निकल आया था और मुझे
पूरा यकीन है कि इस क्रीम की ऑयलनेस की वजह से ही इस पिंपल निकल आया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये रहा मेरा 15 डेज़ का फाइनल लुक। तो आप भी इसे यूज़ करके देख सकते हो, लोरियल पेरिस का डे परफेक्ट क्रीम, बहुत ही बढ़िया क्रीम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मेरी स्किन पे बहुत अच्छा रहा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।